बनाने वाले हैं मशरूम मटर की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 बड़े प्याज, लहसुन 3-4 कली एंड अदरक मैंने यहाँ को चॉप कर लिया है, टमाटर 2 चॉप कर लिए हैं, थोड़ी सी मटर और मशरूम मैंने यहाँ पे काट के रख ली है। अब मैं अपने खड़े मसाले हैं वो डालूंगी। काली मिर्च है इसमें, लौंग है और बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग और बड़ी इलायची को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे और हम अपना जो पैन है गर्म कर लेंगे। हम डाल लेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो ऑनियन है वो खुद पानी छोड़ता है तो तेल अपने आप उसमें सिक जाता है। तो मैं ऑनली 2 चम्मच ऑयल यूज करूँगी एंड यहाँ पे जब भी हो जाएगा ऑयल गर्म तो मैं खड़े मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। अब मैं जो हमारा जो अनियन लहसुन एंड अदरक का जो चॉप किए हैं मैंने वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऐसे इसको मिक्स कर लेंगे तब तक होना चाहिए जब तक कि थोड़े पेंट नहीं हो जाते हैं। यहाँ मतलब मैं यहाँ पे मसाले ऐड कर रही हूँ, यहाँ पर मैं मसाले अलग से ऐड करती हूँ, दिखा देती हूँ कैसे। जितनी नंबर से जाएगा उतना लगभग थोड़ी सी हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, आप कितना खाते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। यहाँ पर पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। क्या होता है ना मसाले अपने आप अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, थोड़े से फूल जाते हैं तो एक अच्छा टेक्सचर आता है सब्जी में। तो मैं यहाँ पे इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि मेरे प्याज और टमाटर होंगे तब तक के लिए। अब हमारा ये पिंक हो गया है प्याज, मैं इसको टमाटर डाल दूंगी। टमाटर से ऐड कर दिए हैं, मैं टमाटर को 2 मिनट इसमें भून लेती हूँ। मैंने इसको 5 मिनट तक कुकिंग कर लिया है, अभी थोड़ा सा ऐसा दिखेगा आपको तो कलर चेंज हो जाएगा। अब मैं इसमें अपना जो मैंने मिक्स किया है मसाले वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये जो मैंने घोल दिया गया था मसालों का, अभी देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया है इसका। अब मैं इसे यहाँ पर ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी, मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि जो मसाला है ये रेडी हो जाए। तो मैं आप इसको 10 मिनट हो गए हैं हमारे मसाले को, अब हम इसको देखते हैं। आपके मसाले का टेक्स्चर कुछ इस तरीके से आएगा, मेरे मसाले में उसको ऑयल छोड़ दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो हो गया है। मैं इसमें जो है मशरूम एंड मटर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मटर ऐड कर दूंगी इसमें और मशरूम भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा हम इससे पानी ऐड कर देंगे, जितना आपको चाहिए, मैं ज्यादा पानी ऐड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा पानी नहीं चाहिए। मैं पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, जैसे कि मशरूम जो है और मटर जो है वो गल जाए, तब पानी मैं इसमें ऐड करूँगी एंड इसको थोड़ी देर ढक के रख दूँगी लगभग 10 मिनट ताकि मशरूम और मटर बतौर हो जाए। करीब 10 से 15 मिनट बाद हम देखेंगे हमारी सब्जी कैसी होगी। हमारी सब्जी थोड़ी इस तरह से लगेगी, कलर एकदम चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं मशरूम का कलर भी यहाँ चेंज हो गया है और जो मटर है वो भी गल गई है। तो मैं यहाँ पे ऐसे अब बंद कर दूंगी, मिला दूंगी थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा बाद में हम गार्निश करने के लिए भी रखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दूंगी एंड उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि इसमें फ्लेवर भी इसमें आ जाए। इसमें से निकाल दूंगी, सर्व करने के लिए हम बॉल में इसे डाल देंगे।
तरीके से। एंड इसमें जो धनिया है वो ऐड कर देंगे। दैट्स इट। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं।